सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की, इसको हम डिटेल में आपको लीडर भी शेयर कर देंगे, बाद में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के BFIC कॉइन जो आपके लॉक्ड कैपिटल में है, इनकी आपको दो ऑप्शंस मिलने जा रही हैं। एक तो जो हमने आपसे बात की थी कि इसकी स्टेकिंग की ऑप्शन आपको, जो के ब्लॉकचेन के ऊपर आप स्टेकिंग करेंगे, एक तो हम आपको इसकी दिसंबर के महीने में वो देने जा रहे हैं। दूसरा, इसकी अनलॉकिंग जो है वो कंपनी आपको 14 फेब को पहले लोगों को, हम पहली जो आपको इसमें जो शेड्यूल हम इस आपको देंगे, विद इन 2-3 डेज ऑफिस ओपन होता है तो हम आपको इसका शेड्यूल दे देंगे कि 14 फेब को पहली आपको अनलॉकिंग मिलेगी आपके BFI कॉइन की, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली पूरा शेड्यूल दे देंगे कि ये आपके इस हिसाब से आपके BFI कॉइन जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है, ये मजबूरी है कंपनी की BFI कॉइन को अनलॉक करवाने की। इसके पीछे भी 2-3 लॉजिक है। एक तो ये लॉजिक है कि अब हम जिस तरह से बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, हमें ये कॉइन स्टेकिंग का कॉइन लोगों के हाथ में देना है, ये हमारी जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम आपको आज दें और उसके पीछे यूटिलिटी ना और कंपनी जो है उसकी प्राइस जो है वो डंप करे। हम जिस तरह से शेड्यूल बना के आपको दे रहे हैं और जिस तरह से हम रिलीज करेंगे, यकीन माने आप बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर आपके 100% टोकन भी अनलॉक हो जाएंगे और आप लोग बहुत बड़े, बहुत ही बड़ी प्राइस के ऊपर अपने भी जो अनलॉकिंग कॉइन होंगे उसको बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर सेल करके, और आप ना कंपनी को असर होगा ना प्राइस को असर होगा और आप लोग बहुत बड़ी इनकम कमा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको आज मैं डिटेल में नहीं, ये मैंने आपको जस्ट एक न्यूज के तौर पे दिया है। हम इसको दोबारा मीटिंग करके उसमें हम डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट USDB, देखें कंपनी ने जो कैलकुलेशन की है ये आपको 1% जो दे रही है USDB कंपनी। पहले ये प्लान था कि हम BFI कॉइन को, यानी कि हम यहाँ पे देंगे और अनलॉकिंग, क्योंकि अब हम अनलॉकिंग की तरफ जा रहे हैं तो USDB को हम, जब ये आपके 100% अनलॉक हो जाएंगे उसके बाद USDB को देखेंगे। लेकिन फिर USDB वाले लोग जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे और उनको कुछ अरसे के लिए वेट करना पड़ेगा, 4 महीने से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ये हमें लगता था कि उनके साथ ज्यादती होगी, इसलिए हमने कहा चलो एक अच्छा सीन है कि हम यहाँ पे उनको USDB इनका दे दें, यहाँ से USDB निकाल लें उनका अपना यूज करके बिलव ले लें। क्योंकि बिलव की जब प्राइस इतनी बड़ी यूटिलिटी आ रही है 86 बिलियन की, तो ऑटोमेटिकली बिलव की प्राइस आप खुद ही इमेजिन कर लें कि आपकी प्राइस कम से कम 4-5x तो होनी चाहिए मार्केट रेट में, मैं कंपनी रेट की बात नहीं कर रहा। और दूसरा, जब टोकन ही सारे बर्न हो गए, अब यही टोकन है जो आपके स्टेकिंग के ऊपर है, इसके अलावा टोकन कोई नहीं है, ये जो लोग विदड्रॉल ले लेंगे वो ले लेंगे, अदरवाइज कंपनी तो चाहती है कि जितनी कम सप्लाई हो वो ज्यादा बेहतर है, उससे उसका बेनिफिट अल्टीमेटली उन लोगों को होगा जो बिलव के होल्डर है। यहां से भी हम 86 बिलियन की खा लेंगे और बाकी जो भी कंपनी को बचत होगी वो 20 बिलियन से जितनी कम हो जाएगी वो कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी को एक दफा आपको हम एक अच्छी यूटिलिटी दे के अच्छे प्राइस के ऊपर बिलव के लोगों को एग्जिट दिलवाएंगे तो बिलव से कंपनी कमाना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में ये लग जाएगा वहां पे कॉन्टिन्यूसली लगा रहेगा, आप लोगों का खत्म होने के बाद फिर कंपनी ने इन यहाँ से अर्निंग करनी है। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो लीडर हैं वो इसके ऊपर और भाई, डिस्कस अगर करें। मुझे आप 5 मिनट दें तो मैं रिवाइज कर दूं एक दफा, ताकि जिन दोस्तों ने जी बाद में बिल्कुल ज्वाइन किया था बिल्कुल, समरी उनको। समरी डिस्कस कर लें। जी चल, थैंक यू। मैं थोड़ा सा जो है वो जो चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि एज ए न्यूज जो है वो सबके जहनों में वो फ्रेश हो जाए। सबसे पहले आपने जो है वो बी लव टोकन के हवाले से जो न्यूज दी है, उनमें से पहली न्यूज ये थी कि जो बी लव है उसका एक रोड मैप बना है बर्निंग करने का। उस रोड मैप को सस्पेंड करके इसी महीने के अंदर जितनी भी एडिशनल सप्लाई है वो सारी बर्न हो रही है। 20 बिलियन से ऊपर की जितनी भी सप्लाई है इसी महीने बर्न हो जाएगी, और इस बर्निंग के साथ ही। लोगों के साथ थैंक यू सर, अच्छा बी कंटिन्यू। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो गाइस, एक बहुत सारी आपको पता है आज न्यूज है, बड़ी न्यूज तो मैंने अभी शेयर ही नहीं की, आप लोग अभी देखें हम क्या करने जा रहे हैं, अभी आपको नजर आएगा कुछ
कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जो होने जा रहा है। और इससे बीएफआईसी को, आपको पता है कि आज हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज में बी लव है, बीएफआईसी है, यूएसडीबी है, ये सारी चीजें हमने, और बीएफआईसी नेटवर्क भी है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बुलेटो बीएफआईसी, सॉरी बुलेटो बीबीटीसी जो है, इनके लिए गुड न्यूज मैं दे दूं आपको कि जितने भी आपको पता है कि प्रमोशन जो थी गाड़ी वाली वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब जो रॉयल पूल में अचीव हो रहे हैं, आ रहे हैं, और जो 100 रतन में अप्रोक्स 19 लोग रह चुके हैं, और 100 रतन की आपको, जो लोग 100 रतन में आ चुके हैं उनको इम्पोर्टेंस का पता चल गया है कि 100 रतन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इन लोगों को कंपनी बेनिफिट्स भी दिलवाती है। आपने देखा है कि 14 के ऊपर कंपनी ने इनसे बीएफआईसी इनको न्यूज दी थी कि अब बीएफआईसी ऊपर जाएगा, आप उठा लें, आज वो अपने पैसे डबल करके बैठे हैं। और इन लोगों को पता है कि इसके लिए $28, $25, $50, $100, अब इसका क्या फ्यूचर है, उन सबको पता है कि इन्होंने कितने एक्स लेके निकलना है। तो 100 रतन में 19 लोग रह चुके हैं, आप देखिए आप में से कौन आता है इसमें बाकी 19 लोगों में। तो रॉयल पूल वालों के लिए एक गुड न्यूज दे दूं कि रॉयल पूल में बीबीटीसी में जितने भी लोग आएंगे, गाड़ी की प्रमोशन खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके लिए एक और कंपनी ने प्लान रखा हुआ है कि इन तमाम लोगों को, जैसे जैसे ये लोग रॉयल पूल में आते जाएंगे, कंपनी इन तमाम लोगों को जो है ट्रेनिंग के लिए 2 से 3 दिन के लिए दुबई बुलाया करेगी। जितने रॉयल पूल के अचीवर्स होंगे ये सब लोग दुबई टूर क्वालिफाई करेंगे और कंपनी इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया करेगी। तो ये न्यूज भी आपको मैंने अब दे दिया है। अब बीएफआईसी के हवाले से मैं बता दूं आपको कि बीएफआईसी विद इन दिसंबर टॉप 100 में आपको नजर आने वाला है सीएमसी के ऊपर। वो कैसे होगा, वो किस तरह से होगा, ये आप हम पे छोड़ दें। आपको टॉप 10 पे अगर दिसंबर में बीएफआईसी टॉप 100 में अगर बीएफआईसी नजर आ जाए तो आपने इस बात के ऊपर बिलीव कर लेना है कि जो कंपनी बीएफआईसी के ऊपर फोकस करके इसको टॉप 100 में ले आई और इसकी प्राइस को एक अच्छी, बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर ले आई है, तो वो बी लव को $2 पे भी निकलवा देगी बी लव के होल्डर्स को। ये चेक करने के लिए आपको पूरा दिसंबर का महीना वेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द, जरूरी नहीं है कि एंड ऑफ दिसंबर, उससे पहले आपको ये टॉप 100 में नजर आना चाहिए एज पर कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग और जो कंपनी ने कर रही है इन सारी चीजों के। बिला वजह कंपनी इसके ऊपर नहीं आ रही, टॉप 20 टॉप 10 की एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं आ रही। अभी आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द टॉप 10 की एक्सचेंजेस के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह का बीएफआईसी का ग्राफ बन रहा है डे बाय डे ऊपर का, अभी जो मैं आपके साथ बड़ी ग्रैंड न्यूज शेयर करूंगा उससे आपने देखना है कि बीएफआईसी कहां जाता है। ओके, तो ये भी मैंने आपके साथ न्यूज शेयर कर दी टॉप 100 वाली, और इन दिसंबर जो है ये आपको टॉप 100 में नजर आने वाला है और इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी ग्रोथ क्या होती है। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेटर खोलें और मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आएगी।